गुड मॉर्निंग, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाएं कि आपको सुनने की लोग मिन्नत करें। इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। जानते हैं आज क्या रहने वाले हैं आपकी राशियों के हाल, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज के पंचांग पर। आज 14 अक्टूबर 2024 सोमवार का दिन है। आज एकादशी है। राहु काल आज प्रातः 7:48 से प्रातः 9:14 तक रहेगा। नक्षत्रों की बात करें तो आज शतभिषा नक्षत्र का योग है। चंद्रमा आज कुंभ राशि में संचार करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपका कोई कानूनी मामला सुलझ सकता है, जिसके लिए उनको काफी मेहनत भी करनी पड़ सकती है। आपकी जीतोड़ मेहनत और परिवार का सहयोग इच्छित परिणाम देने में कामयाब रहेंगे। आज यदि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो पैसा सोच समझ कर खर्च करें, नहीं तो धन हानि हो सकती है। शाम के वक्त अचानक मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी और उत्साह की वजह साबित होगी। आप भविष्य को लेकर कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में भी कोई आपकी डील यदि लंबे समय से लटकी हुई थी तो वह आज फाइनल हो सकती है। वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो अपने खाने पर नियंत्रण रखें और चुस्त दुरुस्त रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। जिन लोगों ने जमीन खरीदी थी और अब उसे बेचना चाहते हैं, उन्हें आज कोई अच्छा खरीदार मिल सकता है और जमीन बेचकर उन्हें अच्छा धन लाभ हो सकता है। एक बेहतरीन शाम के लिए रिश्तेदार या दोस्त आज आपके घर आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आप यदि कोई बदलाव करेंगे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आप यदि पार्टनरशिप करेंगे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको अपने कामों को लेकर जल्दबाजी दिखाने से आज बचना होगा। किसी पुराने मित्र से भी आज आपकी लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है। मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो ध्यान और योग न केवल आध्यात्मिक तौर पर बल्कि शारीरिक तौर पर भी आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। अगर आप सूझबूझ से काम लें तो आज अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। पार्टनरशिप की परियोजनाएं सकारात्मक परिणाम से ज्यादा आज आपको परेशानियां देंगी, क्योंकि कोई आपका फायदा उठा सकता है। आपको वाहनों का प्रयोग आज सावधान रहकर करना होगा, नहीं तो कोई दुर्घटना हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में टेंशन बनी रहेगी। आपका किसी वेवजह के काम से नुकसान हो सकता है। परिवार में लोगों को मनवाने व्यवहार से आपको समस्या होगी। कार्यक्षेत्र में आपको कोई पुरस्कार मिलने की संभावना है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा। आपको कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की पूरी संभावना है। अगर आपने किसी शख्स को पैसा उधार दिया था तो आज आपको वो पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। अचानक आज आप काम से छुट्टी लेने का प्लान बना सकते हैं और अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकते हैं। आपने यदि किसी से कुछ कर्ज ले रखा है तो उससे भी आज आपको काफी हद तक उतारने में मिलेगी। आपको कोई डील यदि लंबे समय से लटकी हुई है तो वो आज फाइनल हो सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशनुमा रहने वाला है। किसी संत पुरुष का आशीर्वाद मानसिक शांति प्रदान करेगा। पैसे की अहमियत को आप अच्छे से जानते हैं, इसीलिए आज के दिन आपके द्वारा बचाया गया धन आपके बहुत काम आ सकता है और आप किसी बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। गृह प्रवेश के लिए आज का दिन शुभ है। आपको कोई बड़ा निवेश सोच समझ कर करना होगा। सामाजिक लोगों के प्रयास रंग लाएंगे। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। संतान की तरक्की होने से परिवार के सदस्यों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कन्या राशि के जातकों की बात करें तो आज आप खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं, जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। आपके पिता की कोई सलाह आज कार्यक्षेत्र में आपको धन लाभ करा सकती है। घर से जुड़ी योजनाओं पर विचार करने की जरूरत है। कार्यालय में कोई आपको कुछ बढ़िया चीज या खबर दे सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन कमजोर रहने वाला है, जिसके लिए आपको सावधान रहना होगा। आज आपको किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। आपकी कोई डील भी आज फाइनल हो सकती है। आपका कोई काम पूरा होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तुला राशि के जातकों की अगर बात करें तो शराब पीने की आदत को अलविदा कहने के लिए आज अच्छा दिन है। आपका बचाया धन आज आपके काम आ सकता है, लेकिन साथ ही इसके जाने का आपको दुख भी होगा।
किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से अचानक आया कोई संदेश पूरे परिवार के लिए रोमांचक रहेगा। घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आज आप किसी पार्क या शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की कोई बात बुरी लग सकती है। आज आपको अपनी संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो वह आपके लिए आज अच्छा रहेगा। आपको कुछ अपरिचित लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। यदि आपके कुछ जरूरी कागजात लटके हुए थे तो वह आज पूरे हो सकते हैं। आपको किसी काम के चलते यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज के दिन भूलकर भी किसी को पैसे उधार ना दें। आज आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भी अच्छा मौका मिलेगा। अपने जिगरी यारों के साथ आज आप खाली समय का आनंद लेने का विचार कर सकते हैं। आपको अपने पिताजी से कोई बात सोच समझ कर बोलनी होगी। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऊर्जावान रहने वाला है, लेकिन आप अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाएं तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। कठिनाइयों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। मुश्किल घड़ी में रिश्तेदार भी आज आपके काम आ सकते हैं। लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए निवेश करें। कामकाज में जरूरत से ज्यादा तनाव के चलते परिवार की जरूरतों और इच्छाओं को दरकिनार ना करें। अपना बायोडाटा भेजने या किसी इंटरव्यू में जाने के लिए आज अच्छा समय है। आज आपकी संतान से किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है। प्रॉपर्टी को लेकर आप किसी वाद विवाद में ना पड़े और अपने भविष्य को लेकर कोई निर्णय थोड़ा सोच समझ कर ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मकर राशि के जातकों की बात करें तो आज आपकी सेहत पूरी तरह से अच्छी रहेगी। आज धन आपके हाथ में नहीं टिकेगा। आपको धन संचय करने में आज बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे कामों में सहभागिता करने के लिए अच्छा समय है जिसमें युवा लोग जुड़े हो। आज कार्य क्षेत्र में आपके किसी पुराने काम की तारीफ भी हो सकती है। आपके काम को देखते हुए आज आपकी तरक्की भी संभव है। कारोबारी आज अनुभवी लोगों से कारोबार को आगे बढ़ाने की सलाह ले सकते हैं। बिजनेस में आप कोई उलटफेर ना करें, नहीं तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधा आज दूर हो सकती है। आपको अपने पिताजी से मन की बात करने का भी आज मौका मिलेगा। बात करें अगर कुंभ राशि के जातकों की तो आज इस राशि के कुछ बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आज के दिन आपको जो खाली समय मिलने वाला है उसका भरपूर लाभ लें और अपने परिवार के साथ कुछ प्यार भरे पल गुजारें। छात्र छात्राओं को आज अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। आपको जब भी खाली समय मिले अपने काम को पूरा कर ले। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। आपको अपनी संतान के करियर को लेकर टेंशन बनी रहेगी। आज आप किसी को धन उधार देने से बचें। किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधान रहने के लिए रहेगा, इसीलिए कोई भी निर्णय थोड़ा सोच समझ कर ले। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी जिसके चलते आप सफलता की ओर तेजी से बढ़ेंगे। पैसा अचानक आपके पास आएगा जो आपके खर्चों को संभाल लेगा। रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक आज आपको उपहार भी मिल सकता है। कामकाज के मामले में आज आपकी आवाज पूरी तरह से सुनी जाएगी। परिवार में चल रहे आपसी वाद विवाद को बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करें तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको किसी दूसरे से मन की बात शेयर करने से बचना होगा, नहीं तो वह इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज का राशिफल। जाने से पहले आपके लिए एक सीख, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। इसी विचार के साथ आपसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं आपका आज का दिन मंगलमय हो। देखते रहिए दिव्या हिमाचल टीवी। नमस्कार।